दोस्तों मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं जवान 2 मूवी की। जवान 2 मूवी अब नहीं आएगी दोस्तों, शाहरुख खान ने खुद इसका अनाउंसमेंट कर दिया। दोस्तों मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों आप सबको तो पता है कि शाहरुख खान ने अपने फैंस के साथ भाई 58वां जन्मदिन बना था, उसके अंदर एक छोटा सा इवेंट भी रखा था, वहाँ पर अपने फैंस से बातचीत भी करी थी। इसी के दौरान शाहरुख खान ने बताया कि भाई मैं जवान 2 मूवी नहीं करूंगा क्योंकि ये एक फ्रेंचाइजी फिल्म है, तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे, फैंस मेरे इंडिया वाले जो कि मेरे फैंस हैं दोस्तों पूरी दुनिया भर में भरे पड़े, कि मुझे वो एक ही लुक में देखें। तो गाइस मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं फ्रेंचाइजी फिल्म करूँ, जैसे कि मैंने डोंट 2 करी थी, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा। इस तरह के दो शाहरुख खान ने बातें करी हैं। साथ साथ ये बताया कि मैं एक न्यू करेक्टर प्ले करना चाहता हूँ, जैसे कि आपको जीरो देखने को मिला, रावण देखने को मिला, रईस देखने को मिला, डियर जिंदगी में शाहरुख खान देखने को मिला दोस्तों, जैसे कि जब हैरी मेट सेजल में एक नया शाहरुख खान देखने को मिला, जब तक जान में एक नया शाहरुख खान देखने को मिला, इस तरह का करेक्टर प्ले करना चाहता था कि आप मेरे हर मूवी में एक नया करेक्टर देखें, नया शाहरुख देखें दोस्तों। तो कहीं शाहरुख खान ने ये भी कहा कि मैं एक फ़ोन मिलाऊंगा अटली कुमार को और जवान 2 मूवी बन जाएगी। तो गाइस ये कहा कि मैं एक फ़ोन घुमाऊंगा अटली कुमार जो कि फिल्म के डायरेक्टर साहब हैं भाई, वहाँ पर जवान 2 मूवी बन जाएगी भाई, एक ही आवाज़ में जवान 2 मूवी तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सीक्वेंस में काम नहीं करना चाहता। अब जो भी होगा, न्यू होगा, जब भी आप मुझे पर्दे पर देखेंगे, जब भी दोस्तों यहाँ पर एक नया शाहरुख देखने को मिलेगा। दोस्तों डंकी, फिर डंकी, वो डंकी मूवी के बारे में बता, आप सबको तो पता है कि शाहरुख खान के जन्मदिन पर डंकी मूवी का टीजर लॉन्च करता है बड़े इवेंट के साथ दोस्तों, एक थिएटर के अंदर शायद वो बेबी की स्किन के साथ दोस्तों डंकी मूवी का टीजर लॉन्च करता है, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है, जो कि 24 घंटे के अंदर 38 मिलियन के करीब इन्हें व्यूज़ पार कर लिए हैं दोस्तों। तो भाई डंकी मूवी के बारे में बताया कि भाई डंकी मूवी एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको नया शाहरुख खान देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने पठान में अलग पठान देखा, जवान में दोस्तों दो शाहरुख खान देखे, दोनों करेक्टर अलग थे, विक्रम राठौर और भाई आज़ाद। उसके बाद भाई डंकी मूवी में आपको एक ऐसा करेक्टर देखने को मिल सकता है शायद आपने इस बॉलीवुड के इतिहास में कभी देखा ना हो, इस तरह का दोस्तों पठान मूवी बताई जा रही है आपको। पठान और जवान से भी ज़्यादा एक खतरनाक करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं एक सवाल करता हूँ शाहरुख खान से, जो कि फैन से इस तरह की सोच रखते हैं, आपने डोंट 2 क्यों करी? मतलब डोंट 2 भी सीक्वल है ना। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर पठान 2 की भी बातें आ रही हैं, वो भी एक पठान 2 पठान का सीक्वल है, और दोस्तों टाइगर 3 भी एक सीक्वल है, क्योंकि भाई शाहरुख खान अपना करेक्टर लेके भाई टाइगर 3 के अंदर जा रहे हैं, वो भी एक सीक्वल है। बाकी आपको क्या कहना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं, भाई जवान 2 आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आप ये भी बताएं कि भाई शाहरुख खान उस वक्त मजाक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बाकी आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों।